तो दोस्त कैसे हो? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और पूरी मौज मस्ती से पढ़ाई कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक पोयम जिसका नाम है अ फोटोग्राफ। दोस्त इस पोयम में 3 स्टैंजास हैं, एक एक करके सबको देख लेंगे। इस पोयम को शिर्ली टॉलसन जी ने लिखी है। इस पोयम में वह अपनी माँ को याद करती है। तो हम अपने फर्स्ट स्टैंजा को देखते हैं दोस्त। इस स्टेंजा में पोएटेस यानी कवित्री को एक कार्डबोर्ड पर एक फोटो चिपकी भी मिलती है। इस फोटो में उनके माँ के साथ उनके 2 छोटे बहन भी हैं। वे सभी समुद्र में तैरने गए थी तब का यह फोटो है। दोनों बहनें पोएटेस की माँ के हाथ पकड़े हुए हैं। यह फोटो तब की है जब पोएटेस की माँ 12 ईयर्स की थी। उनके चाचा जी के पास एक कैमरा था, वही तीनों बहनों की फोटो खींचे थे। तीनों कैमरे की तरफ फेस करके शांत खड़ी रही और मुस्कुराने लगी। इस तरह यह फोटो 3 मुस्कुराते हुए चेहरा को दिखा रहा है। पोएटेस की माँ का चेहरा अत्यंत प्यारा है। पोएटेस की माँ 12 ईयर की थी, इसलिए पोएटेस उस समय जन्म नहीं हुई थी। यह फोटो पोएटेस के जन्म से पहले का है। अभी सब कुछ बदल गया है। अब पोएटेस की माँ इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वह समुद्र अभी भी वैसे ही है। तो मेरे दोस्त, अब हम चलते हैं अपने सेकेंड स्टेंजा की तरफ। इस स्टेंजा में पोएटेस बताती है कि फोटो खिंचवाने के 20 या फिर 30 साल बाद जब उनकी माँ का उम्र ज्यादा हो गई है, तब वह अपनी पुरानी फोटो को देखकर अपने बचपन को याद करती है और वह अपने दोनों चचेरी बहनों को याद करती है। उस दिन की खिंचवाई हुई यह फोटो अमर हो गई है। पोएटेस की माँ अपने दोनों कजन सिस्टर जिनका नाम बेटी और डॉली है, उन दोनों के कपड़ों को देखकर मजाक उड़ाती है। इन स्टैंजास में उनकी माँ दुखी प्रतीत होती है क्योंकि पोएटेस की माँ का जीवन बिल्कुल बदल गया है। अब वह बचपन जितना सुखी में नहीं रहती है। इस फोटो के कारण वह अपने 12 ईयर्स की एज को याद करती है, मानो वह समय वापस लौट कर आया है। मेरे दोस्त, अब हम अपने थर्ड स्टैंजास की तरफ जाते हैं। अब पोएटेस की माँ इस दुनिया में नहीं है। उनकी माँ को मरे उतना समय हो गया है जितनी इनकी माँ की एज थी जब यह फोटो खिंचवा रही थी, यानी पोएटेस की माँ के मरे हुए 12 ईयर से ज्यादा हो गए हैं। इस फोटो ने माँ और बेटी की मेमोरीज को जोड़ कर रखी है। पोएटेस अपनी माँ की हंसी को देखते हुए बहुत कुछ समझती है कि उनकी माँ का समुद्र के किनारे घूमने गई थी तब मुस्कुराई थी, और उसके 20-30 साल बाद इनकी माँ इस फोटो को देखकर मुस्कुराई थी। माँ और बेटी दोनों परिवर्तन को स्वीकार कर लेते हैं, यानी चेंज तो होते रहेगा इस धरती पर। पोएटेस अपनी मेमोरी को शांत कर रही है, अपनी यादों को शांत कर रही है। दोस्त, इस दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है, सब कुछ टेम्पररी है। इसलिए अपने माँ पापा से प्यार करें, उनके साथ रहें, उनसे अच्छा व्यवहार करें। अभी आपके पास समय है दोस्त। तो यह पोयम तो खत्म हो गया दोस्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। तो दोस्त, यदि वीडियो अच्छी लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अगल बगल जो वीडियोस को देख लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।